हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल कहानी है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। गीता है मनोविज्ञान की अद्भुत थेरेपी। कैसे होता है गीता थेरेपी से मानसिक परेशानियों का इलाज? गीता थेरेपी की 2 दिवसीय कार्यशाला में जानेंगे कैसे कृष्ण ने अर्जुन की तमाम मानसिक उलझनों का समाधान किया, कैसे अर्जुन की चिंता, डर, डिप्रेशन, अपराध बोध के भाव का इलाज किया, कैसे अर्जुन कर्मयोगी बना। अगर गीता को जीवन में अपना ले तो जीवन सुधर जाता है। आप काउंसलर बनकर इलाज करना चाहते हैं या गीता से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमारे 2 दिवसीय कार्यशाला में आइए। धन्यवाद। ये जो राजेंद्र जी ने हमें पहले बताया, जैसे हमें क्या कहते हैं इरेशनल और रैशनल, अगर जो भी इंसान है कोई काम करने से पहले सोच रहा है उसको रैशनल तरीके से तार्किक रूप से, तो शायद झगड़ा रुक भी सकता है। वो चीज़ें हम लोगों को नहीं पता होती। हम तर्क मतलब तर्क पर ज़्यादा बात करते हैं कि मैं ही तर्क में सही हूँ, ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं, टेक्निक्स जो आज हमने सीखी हैं कि तर्क की जगह न्यूट्रल हो जाए किसी टाइम, तो शायद झगड़े से हम बच सकते हैं। दैट वॉज नाइस। एंड राम जी सर ने हमें जो बताया है कि ये रिलैक्सेशन टेक्निक है द बेस्ट टेक्निक। अगर हमें कोई टेंशन है तो एक टाइम हम किसी से बात नहीं करना चाह रहे तो खाली बैठने से अच्छा है कि वो रिलैक्सेशन टेक्निक कर ली जाए। इस तरह से हम मेडिटेशन एक अपने माइंड को भी रिलैक्सेशन दे सकते हैं और अपनी लाइफ में भी रिलैक्स रह सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं अकेलेपन में हम लोग। दैट वॉज बेस्ट। और मैं अब कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी आपके लिए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशी मनाना भी जिंदगी है। अर्जुन के जीवन रथ सी जिंदगी हमारी है, कहीं अवसाद तो किसी का मन भारी है। कृष्ण सा साक्षात सारथी खोज रहा होगा आज, गौर करना महाभारत हर युग में जारी है। बिल्कुल आज भी जारी है, लेकिन सारथी हो जीवन में तो कल्याण हो सकता है, लेकिन सारथी कौन होगा, कैसा हो, किसे बनाए सारथी, आधुनिक समय की मांग क्या है। मानसिक उलझनों, परेशानियों, आपसी मतभेद, वैवाहिक परेशानी, व्यापारिक उलझनों, तनाव, चिंता, डर, फोबिया, उदासी, अपराध बोध, OCD, डिप्रेशन, आत्महत्या वाले विचार और आधुनिक जीवन की तमाम परेशानियों से निपटने का मार्ग है गीता थेरेपी। कैसे कृष्ण ने अर्जुन की सभी उलझनों का समाधान गीता से किया और कैसे कृष्ण की बातों को हम अपने जीवन में लागू करें, इसका भी मार्ग है गीता थेरेपी। आप गीता के माध्यम से मानसिक उलझनों का इलाज करना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं या खुद का मानसिक संतुलन बनाना चाहते हैं तो हमारी 2 दिवसीय गीता थेरेपी की कार्यशाला में आइए। धन्यवाद।